फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कैंसिलेशन के प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन, जो आधे इंडिया के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो डिपार्टमेंट क्या कर लेगा। डिपार्टमेंट ने कहा कि चिंता मत करो, अभी तुम्हारा बल्क में कैंसिलेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन का, तो फिर आपको पता चलेगा। क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन होने के अपने फायदे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन होने के क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और अगर आपका कैंसिलेशन हो ही गया है और रिवोकेशन का टाइम भी एप्लीकेशन का निकल गया है तो क्या करना है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन सबसे पहले रोज कुछ ना कुछ नए चेंजेस क्योंकि जीएसटी में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट छूट नहीं जाए। क्योंकि अभी तक फिर भी फर्स्ट ईयर था, इलेक्शन ईयर आ गया था, उसके बाद तो गवर्नमेंट आपको प्यार मोहब्बत दिखा रही थी, लेकिन आगे के लिए प्रोविजन स्ट्रिक्ट होने वाले हैं और लाइफ हम सबकी मुश्किल होने वाली है। आप अभी लिख के रख लीजिए। सो विद दिस क्विक अपडेट आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए एक डॉक्यूमेंट भी है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है वो चेंज हो चुका है। ध्यान रखिए, आप सीजीएसटी एक्ट को डाउनलोड करके अगर पढ़ रहे हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, जो ओरिजिनल सीजीएसटी एक्ट था उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उनको अलग अलग कलर की स्कीम के साथ इनकॉर्पोरेट करके एक बेयर एक्ट बनाया है, जो कि अपडेशन के साथ बेयर एक्ट है। तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, सारे के सारे जो टिल डेट अपडेट्स हैं वो हमने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो जब भी आपको बेयर एक्ट रेफर करना है तो आप प्लीज़ उस डॉक्यूमेंट को रेफर कीजिए बजाय सीजीएसटी एक्ट डाउनलोड करके पढ़ने के, क्योंकि वो पुराना हो चुका है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने कैंसिलेशन की तरफ। तो काफ़ी सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और कैंसिलेशन के बाद जो 30 दिन का रिवोकेशन का पीरियड होता है वो पीरियड भी चला गया था। क्योंकि हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे कंसल्टेंट से काम कराते हैं जो खुद अपना काम करते हैं, कि हम लोग पोर्टल को खोल के देखते नहीं, हमको लगता है हमने बिजनेस में सेल परचेज कर लिया तो काम खत्म हो गया। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जीएसटी की लेवी में हैं और जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो बिना जीएसटी कंप्लायंट हुए अब आप बिजनेस रन नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो गवर्नमेंट ने इसको सुना, जब हम लोगों ने सब लोगों ने हल्ला किया, शोर मचाया, सर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, अब क्या करेंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, अभी वो आपके लिए एक स्कीम लेके आए हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि 31 मार्च तक जितने भी लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए हैं और रिवोकेशन करने का टाइम भी चला गया है, तो जिनका 31 मार्च के बाद कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन वो तो वैसे भी रिवोक अभी करा ही सकते हैं, उनके पास टाइम है। तो उससे पहले वाले जो लोग हैं जिनका रिवोकेशन का टाइम नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप सब लोग अब अपना जो रिवोकेशन के कैंसिलेशन की रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं। यानी कि अब कैंसिलेशन का रिवोकेशन होता क्या है, कैंसिलेशन की रिवोकेशन का मतलब ये होता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल कर दिया जीएसटी ऑफिसर ने, और क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैंने रिटर्न फाइल नहीं की। तो आपको जैसे कि पता है कि जीएसटी के प्रोविजन के अंदर अगर आप रिटर्न नहीं फाइल करते हो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है। और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का मतलब है ना आप इनवॉइस काट सकते हैं, ना आप आईटीसी ले सकते हैं, तो यानी कि आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, उसके बाद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और टैक्स लाइबिलिटी आपकी तब भी रहेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया लेकिन आप टैक्सेबल पर्सन हो टैक्सेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के प्रोविजन के हिसाब से, जितने आप सेल कर रहे हो उस पर टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी आपकी तब भी है, लेकिन क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, तो अपनी पॉकेट से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इसके लिए उन्होंने एक टाइम लिमिट दे दी कि 22 जुलाई तक आप सब लोग अपनी रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन है उसको फाइल कर सकते हो, तो अभी भी आप अपना रजिस्ट्रेशन रिवोक करा सकते हो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन। तो ये एक लास्ट टाइम एमनेस्टी जो गवर्नमेंट ने दी है। सो विद दिस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू क्लोज दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।